हेलो हेलो, आ जाओ इधर इधर आओ। ये मैंने गाड़ी में रखी थी संभाल के कि कहीं जाता हूँ मैं छोटे बच्चों। ऊपर करो, ये ऊपर करो। जाओ आ जाओ। हाय अब्दीन। हाय। चलो नंबर टू। नहीं रुक रही। ये छोटे हैं, हाथ में तो नहीं पकड़ सकेंगे, गिर जाएंगे इनको, तो इसलिए इनको। चलो बस, शुक्रिया शुक्रिया। खुश हो गए छोटे बच्चे, खुश हो गए सर ज्यादा ना। मैंने इसीलिए रखा था, तू के छोटा है, रख वापस। रख वापस, एक दे इधर, बाकी रख वापस। ये किसी टाइम फिर कहीं जाता हूँ ना मैं, तभी मैंने तभी रखे इसमें। चल रख एक। हाँ बस बाकी रख। हेलो क्यूटी पाइज, क्या हाल है? हमारे साथ एक भैया है, ये इस रोड से जा रहे थे तो हमने इनको लिफ्ट दी और अब इनसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन से गाँव है। सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। शबीर अहमद। आप यहीं के रहने वाले हो? जी। किस जगह? शिवा का। शिवा का। अच्छा, यहाँ ऊपर कौन कौन से गाँव है? पहले आता है मरवल। हाँ मरवल। मरवल से आगे आता है मसलवारा। जी बस ये दो गाँव। अच्छा, यही दो गाँव है। ये रोड कहाँ तक जाती है? अच्छा, वहाँ तक। वहाँ मतलब कितने घर होंगे वहाँ पे उस गाँव में? वहाँ तक बराबर ये रोड जाती है? जी। चलो हम वहाँ तक जाते हैं, देखते हैं गांव कैसा है, आपको भी दिखाते हैं। और ऐसी रोड्स पे मतलब यहाँ पे ये समूह वगैरह बीच बीच में चलती होती है इस रोड पे, हाँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी होती है लोगों को चलने में। तो आप भी अगर कभी आएँ, ज़रूरतमंद की हेल्प कर दें, कोई बुज़ुर्ग होगा कोई भी होगा उनकी हेल्प भी कर दें, साथ साथ इंजॉय करने के साथ साथ उनकी हेल्प कर दें अगर ऐसी रोड्स पर आप आते हैं कभी। अभी हम चलते हैं गाँव की तरफ। यहाँ तक रोड की कंडीशन ठीक है ना, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ऑफ रोड है और एक पत्थर आ रहा है हमारी तरफ, और यहाँ से हम आए। तो देखो ये पत्थर, ये पत्थर एक जा रहा है सीधा यहाँ से। अब यहाँ टिपर एक ये मोड़ कर रही है, तो जैसे ही हमें रास्ता छोड़ेगी हम जाएंगे यूम्बरजल, जो गाँव का नाम सुना था हमने उसकी तरफ हम जाएंगे। फिलहाल कुछ ऐसी रोड है, यहाँ से इस पानी के बीच में से आना पड़ता है ऐसे, और यहाँ पे अभी ये टिपर ने रास्ता बंद करके रखा है। मतलब खुश हो रहा है काफी ज्यादा। मतलब है कैसा गांव? जबरदस्त, पुराने टाइप के मकान ऐसे। तभी तो लाया है तुझे मैंने यहाँ, मुझे पता था ना यहाँ कैसी जगह होगी। अस्सलाम वालेकुम। ये रही जी मस्जिद, यहाँ पे इस गांव में एंटर करते हुए सबसे पहले यहाँ पे मस्जिद मिली। कुछ ऐसे घर देखने को आप मिलेंगे आपको, ये मिट्टी के लकड़ी के मार्बल। हाँ, जहाँ पे हम है ना। हाँ। ये मार्बल है। अब हम मतलब यूम्बरजल में जाना है। यूम्बरजल इसके आगे है, ये है मार्बल एरिया। हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे डेवलपमेंट का कोई नाम है ही नहीं। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं पूरा। ये तो एरिया बहुत प्यारा था मगर क्या कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर मैं रुकता नहीं, मैं और ऊपर भी जाता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रोड, मतलब कीचड़ है। कल मुझे जल्दी सुबह जाना है कहीं, टायर्स ख़राब हो गए अभी, कल धोई थी। ऊपर से देखना पड़ेगी एरिया है कैसा। एरिया देखो कितना खूबसूरत है। अब हम वापस जाएंगे इसी गाँव से होते हुए और वहाँ पर रुकेंगे नीचे, ठीक है?
चलते हैं वापस। हाँ, तो यहाँ से ऊपर है ये मार्बल एरिया है, मार्बल गांव, इसके ऊपर है यूम्बरजल, लेकिन रोड अभी बहुत ही खराब है, कीचड़ ही कीचड़, मतलब बड़ी गाड़ियां भी बहुत मुश्किल से जाती होंगी अभी यहाँ। अगर ऐसी होती सूखी रोड होती ऐसे फिर तो चले जाते हम। अब हम वापस जा रहे हैं और देखते हैं नीचे वाटरफॉल जो था वो वहाँ पे चलते हैं। बाकी हर जगह आपको ऐसे घर देखने को मिलेंगे, ये देखो पूरे लकड़ी के बने, लकड़ी और मिट्टी के बने हैं पूरे, ये देखो। ये देखिए टायर भी थोड़े थोड़े साफ हो गए मगर फिर से खराब हो गए। ऊपर गांव से हम वापस आ गए। वाह क्या बोलूं, टायर्स की थोड़ी बुरी हालत हो गई है, पूरे लाल कलर की मिट्टी है यार, रेड पूरा। और वाटरफॉल कुछ भाई बोल रहे थे, एक कहाँ पे वाटरफॉल है नीचे कहीं पे वाटरफॉल, वहाँ पे जाते हैं। बाकी इस टाइम देखो टाइम क्या हुआ सजाद, साढ़े छः लगभग आसपास ऐसे ही कुछ टाइम है। और देखो अब पहाड़ों पे ऊपर मतलब ये रही है, धूप पड़ रही है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये बड़े बड़े पहाड़, और उनके बीच में से ये खूबसूरत सी रोड जा रही है, पूरी मैग्नमाइज है, अच्छी रोड है, बस थोड़ा सा है ऊपर खराब, बाकी काफ़ी अच्छा मज़ा आया। देखते हैं वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, बस वाटरफॉल आपको दिखाना है जो कि यहाँ देखने के लायक है, और उसके बाद नीचे जो ज़िगज़ैग, ये देखो गाड़ी जा रही है इस रोड से कैसे ज़िगज़ैग करते हुए बाकी रोड से जाएगी, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से, इस वाली रोड से आई, यहाँ से अब यहाँ से जाएगी, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, वहाँ से, वाह मज़ा। सांप सीढ़ी हाँ ये देखो। तो ले लिया हमने यहाँ पे काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स, काफ़ी सारी रील्स जो कि आपको हमारे इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, यूज़र नेम यहाँ पे होगा हमेशा की तरह, तो इंस्टा पे फॉलो करें और रील्स देखें। फ़िलहाल यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं, अभी काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। सजाद आपको कैसा लगा यहाँ पे, कुछ पूछो ही मत, अब रास्ता भी पता चल गया ना, तुझे अपने फ्रेंड्स को लेके आना यहाँ पे, ठीक है, जन्नत है ये एरिया पूरा। और ये देखो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है, बारामूला में हाजीपुर है लेकिन इतना ऐसे ज़िगज़ैग नहीं लगता वहाँ पे, यहाँ पे हाँ यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे फोटोग्राफ्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम चलते हैं, वाटरफॉल था ना नीचे, देखते हैं अगर टाइम मिला वहाँ पे, नहीं तो चलेंगे अब घर। बाकी देखो थोड़ी सी जगह है पार्किंग के लिए, लेकिन टिपर एक काफ़ी तेज़ आया था यहाँ से ऊपर से, उस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा गाड़ी अपनी साइड ही रखें। तो चलो अब चलते हैं भाई, पॉइंट जहाँ पे हमने फोटोग्राफ्स रील्स वगैरह ली वो वाला पॉइंट था। बाकी जब आप ड्राइव करें ना अपना साइड लेके चलें, थोड़ा बाहर बाहर रखें गाड़ी, उतरते टाइम और चढ़ते टाइम थोड़ा अंदर अंदर गाड़ी पकड़ लें, क्योंकि रोड बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, जान है तो सब कुछ है, इसीलिए देख के चलना। तो आप उस पॉइंट पे हम पहुंच गए जहाँ से वाटरफॉल का रास्ता है, यहाँ पे देखते हैं गाड़ी साइड पे रखते हैं, अगर रुक के देखते हैं, अगर ज़्यादा दूर हुआ तो नहीं जाएंगे इस टाइम। है कहीं पे, तो यहाँ पे गाड़ी पार्क की बिल्कुल साइड पे की है, वाटरफॉल का रास्ता जो है ना उसकी तरफ जाएंगे हम यहाँ से। वीडियो के बिना काम ही नहीं चलता है। चल यहीं से देखेंगे, नहीं जाते हैं वहाँ, लेट भी हो गया है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया वाटरफॉल है, एक है, पानी कम है आज, क्या देखेगा पानी ऐसे भी कम है, वहाँ से पूरा पानी उतरता है नीचे, इसके अंदर है थोड़ा, ये देखो चल।
यहाँ पे हमें कुछ छोटे मोटे बच्चे भी देखने को मिले। आप अपना नाम बताओ तीनों पहले। आपका नाम? कैप वाले का नाम? आपका नाम? नहीं। आपका नाम? शारिक। आपका नाम? उस्मान। मेरा नाम है राशिद सरफराज। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, बाकी यहाँ पे जब आप प्लान बनाओगे ना, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हरदुशिवा मार्केट देखने को मिलेगा, ज़ियारत शरीफ देखने को मिलेगी, उसके बाद ये इंटरेस्टिंग सी रोड देखने को मिलेगी जो ज़िगज़ैग करते हुए ऊपर जाती है, मार्बल और यूम्बर्जल गांव है ऊपर उसकी तरफ, और वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, लेकिन आज पानी वहाँ पे कम है तो इसीलिए हम वहाँ की तरफ नहीं गए। बाकी फ़िलहाल आप आइए, प्लान बनाइए यहाँ पे, लेकिन मेहरबानी करके रोड जो है ना बहुत ख़तरनाक है, तो आराम से प्यार से चलिएगा। अपनी लाइफ है तो सब कुछ है, लाइफ का ज़िंदगी का ख्याल रखिए। तो अब चलते हैं हम वापस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो भाई लोग, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय। Continue for 3 kilometers.